सलाम, जय हिंद। विष्णु के नाम संदेश, ये संदेश विष्णु के नाम इसलिए है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में फैली हुई है और होम्योपैथी के सिद्धांत प्रतिविष के सिद्धांत पर आधारित है। हमारी सभी दवाइयां बैक्टीरिया मेडिका पर आधारित जितनी भी पुस्तकें दवाइयां हैं वो सब प्रतिविष के सिद्धांत पर बनी हुई है। मूल सिद्धांत से मूल रोग से विपरीत उत्पन्न करने वाली शक्तियां हैं। कोई भी विष लेकर के उसका प्रतिविष बनाने से वो अमृत बन जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोडियम नाम का विष अमृत बन जाता है जब उसकी कोडियम दवाई बनती है, मूल नाम कोडियम ही रखा जाता है। वैसे ही इस बार भी कोरोना को मूल नाम रखा जाए, उसका प्रतिविष बनाया जाए और संसार में दिया जाए। यह होम्योपैथी सिद्धांत बिल्कुल सत्य है क्योंकि होम्योपैथी सिद्धांत के अनुसार से जब दवाइयाँ पोटेंटाइज होती है, लेस मोर मतलब कि लेस मेडिसिन मोर पावर के रूप में जाती है, तब मनुष्य के ऊपर या किसी के भी ऊपर वो अपना मूल सिद्धांत से विपरीत असर दिखाती है। जैसे कोरोना का विष जो है मृत्यु तुल्य होता है, कोरोना का जो रोग है वायरस है वो जकड़ लेता है, ग्रंथियों को जकड़ लेता है, मनुष्य के फेफड़ों को जकड़, मस्तिष्क को जकड़, बुखार हो जाती है, शरीर पूरा तपने लगता है और मनुष्य कुछ ही समय में मृत्यु के मुख पे पहुंच जाता है यदि दवाइयां नहीं दी जाए तो। यहाँ पर यदि कोरोना का विष प्रतिविष तैयार कर लिया गया, उसी विष से प्रतिविष तैयार कर लिया गया तो मनुष्य को उस रोग से तुरंत बचाया जा सकता है। अभी डरावा मनुष्य है, मनुष्य को चिंता ज्यादा अपनी है, प्रकृति की कम है, पर यह दवाई बन गई तो प्रकृति का भी भला होगा, मनुष्य का भी भला होगा। और यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह सीलिया के सिद्धांत के अनुसार से भविष्य में भी यदि कोई महामारी फैली तो उसका हम जड़ मूल से होम्योपैथी सिद्धांतों के द्वारा से प्रतिविष और उसको कहते हैं टीका या जो भी कहना हो कहिए बना के हम संसार को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये सीधा वीडियो आयुष मंत्रालय से निवेदनार्थ भेज रहा हूँ कि इसके गंभीरता से स्टडी करें, मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करें और इसमें से जो कुछ सत्य है उसको निकालें। और होम्योपैथी चिकित्सा जगत में जो भी कार्य कर रहे लोग हैं उनका आह्वान करें, उनको बुलाएं, होम्योपैथी चिकित्सकों को और होम्योपैथी दवाइयों मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों को प्रतिविष के अंदर बहुत ही कम उसका वायरस चाहिए, इतना कम वायरस चाहिए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो प्रतिविष जो हमें थोड़ा सा मिले तो हम उससे जब और उसे पोटेंटाइज करके मिलियंस ऑफ पावर्स में, और जो होम्योपैथी वाले जानते हैं 100C 200 30C, वो पोटेंटाइज का मतलब उनके पोटेंसी का नियम क्या है कि रिवर्स में चलती है मूल रोग। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी रोग का प्रतिविष बनाएंगे तो वो अपने आप ही अमृत बन जाता है। प्रवीण स्वर्णा के प्रणाम। होम्योपैथी चिकित्सा के अनुसार से विज्ञान बिल्कुल सही है, मैटेरिया मेडिका है, हजारों हजारों की दवाइयाँ हैं, लाखों करोड़ों डॉक्टर काम कर रहे हैं, भारत सरकार ने कॉलेज स्थापित की हुई है, विश्व में और भी कॉलेज हैं, सभी एक ही सिद्धांत पर मानते हैं। केवल याद दिलाने की आवश्यकता है कि सारा श्रेय केवल एलोपैथी या नेचुरोपैथियाँ इधर उधर बटेरने की चेष्टा न करें, होम्योपैथी सिद्धांत के लोग भी इसमें काम करें और उसको सपोर्ट मेडिसिन के रूप में भी काम कर सकते हैं, मूल मेडिसिन के रूप में भी काम कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 9099 9967 20 से लेकर के 30 तक के 10 नंबर सेवा में अविरत उपलब्ध हैं, तथा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे वीडियो YouTube और Google पर डाले जाते हैं। मैं एक ऐसी प्रवृत्ति चला रहा हूँ जो संसार को आज भी आश्चर्य में कर रहा है। नसें सूख जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन, बिना मशीन बिना ऑपरेशन के सुनने की क्षमताओं को बढ़ाने की स्पेशल कैंप कण दोष मार्ग के अंदर अहमदाबाद गुजरात में लगाए जा रहे हैं, और जो भी लोग प्रतिदिन ठीक होते हैं उनके सब उनके आशीर्वाद के वीडियो, अनुभव के नहीं उनके आशीर्वाद के वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए डाले जाते हैं कि संसार के लोगों को विश्वास हो जाए कि बहरापन अब कोई रोग नहीं है। जन्म का बहरा बालक भी सुन सकता है, जवान भी सुन सकता है, वृद्ध भी सुन सकता है, बूढ़ा भी सुन सकता है। उसके लिए हम जितनी भी चाहिए दवाइयाँ सब उपलब्ध करवाते हैं, सेवा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। प्रत्येक रोगी को स्पेशल डॉक्टर दिया जाता है, ट्रेनर दिया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर दिया जाता है और उनको और भी हेल्प मिलती है।
और यहाँ पर उनकी देखरेख में स्वयं सारे डॉक्टर्स और टीम, हमारे 20 आदमियों की टीम अपनी देखरेख में पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के परिणाम तुरंत ट्रीटमेंट के दरमियान ही आते हैं और उसी में 3 घंटे में वो वीडियो लेकर के, आशीर्वाद लेकर के वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जाती है। इसको आश्चर्य न समझे, असत्य न समझे, जो कुछ है वो सत्य है, सामने है। प्रणाम। और एक विषय पर खास वापिस करता हूँ, हाथ जोड़ने का मतलब संसार की सारी शक्तियों को संग्रहित एक साथ में कर लेना। हाथ जोड़ने से आपकी स्वयं की ताकत बढ़ती है और सामने वाला व्यक्ति आशीर्वाद देने से आपकी शक्तियों में और विकास होता है। हाथ जोड़ने से, प्रभु के सामने हाथ जोड़ने से ईश्वरीय तत्व प्राप्त होते हैं। मनुष्य मनुष्य के सामने जब हाथ जोड़ता है तो स्नेह और प्रेम उपलब्ध होता है, वहाँ भी ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसलिए हे मित्रों, हाथ मिलाने से ज़्यादा हाथ जोड़ने का, प्रणाम करने का, नमस्ते करने का आग्रह रखें। इसलिए मैं अपने परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, मोदी साहब का खूब खूब आभारी हूँ कि नमस्ते की ओर उज्ज्वलित किया। और मुझे आश्चर्य तो क्या हुआ कि विश्व के महानतम और उत्कृष्ट कोटि के राष्ट्र के नेता पूरे भाषण के दरमियान में मानो हमारा राष्ट्र का सम्मान कर रहे थे, मोदी साहब कर रहे थे, फिर भी हमारे देश के लोग नहीं समझे, तो मैं जानता हूँ उनका भाग्य कैसे होगा। आपसे निवेदन है कि एक बार इस व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें और राष्ट्र के सामने जो भी समस्याएं हैं उसे उठाने का प्रयत्न करें। प्रणाम।